दोस्तों हम लोग एक विशेष प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं कि हाउ टू गेन 70/70 इन फिजिक्स पेपर। तो इस वीडियो लिंक में हम विद्युत फ्लक्स एवं गास की प्रमेय की चर्चा करेंगे। विद्युत फ्लक्स एवं गास की प्रमेय। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। एरिया एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। क्षेत्रफल सदिश के परिमाण को क्षेत्रफल सदिश के परिमाण को तीर की लंबाई के द्वारा दिखाते हैं और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ यानी सतह या सरफेस के लंबवत होती है। तो हम लोग देखेंगे विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं और फाई ई इंटीग्रल टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की जो डिफिनेशन आती है विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत
क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। यदि ई वेक्टर तथा डीएस वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो फाई इक्वल इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और ये आपका आ जाएगा ई डीएस कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, और ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और डी एस का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया। अब हम देखेंगे गास का प्रमेय या नियम। गास के प्रमेय, गास की प्रमेय या नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई इक्वल क्यू अपान ε0, और यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गास का नियम है, गास का नियम है। अब गासियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं, गासियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं। गासियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है, गासियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है जिसमें से गुरुत्वीय विद्युतीय और चुंबकीय
क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है, क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। गॉसियन पृष्ठ की मुख्य विशेषताएं क्या है? पृष्ठ की आकृति क्षेत्र के सममित होनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे लंबवत हो, या पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि जिस बिंदु पर क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है वह बिंदु क्षेत्र के सीमा पर या बाहर या अंदर स्थित है, स्पष्ट रूप से पता चल सके। तो दोस्तों, अभी हमने गॉस की प्रमेय विद्युत फ्लक्स के बारे में देखा। अगले वीडियो लिंक में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में देखेंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए। अगला वीडियो लिंक हम आपको जल्दी ही अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद।